Radhe शैवा समुपास शिवति ब्रह्मे वेद नो बौद्धा ബുദ്ധ ഇത് പ്രമാ പടവ കർത്ത നൈയാ അർഹ त्यथ जैन शसनरता कर्मेति मी मगा सोयो विदधातुबितफल त्रैलोक्य नाथो हरि वन्दे वृन्दा ना नन्द राधिका परमेश्वरी गोपिका परमा शुद्धा लादिनी शक्ति <coughs> नम कमलना കമല മാ കമല പദാ നമസ്ത കമല यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वैवेदाश्च प्राहिणोति तस्मै तग्वं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये परमहस मृद्यमान पुंड काक्ष पाद पद्म प्रेम रस पिपास महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज Go, Binda. Go bande go. I don't बेली सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का समाधान करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को बताया यद्यपि अनादिकाल से अब तक निरंतर प्रयत्न करने के पश्चात भी अद्यावधि इन दोनों प्रश्नों का समाधान नहीं हो सका किंतु हम नित्य है अतय तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक समाधान न हो जाएगा तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता अत शब्द प्रमाण के द्वारा अर्थात वेदों शास्त्रों के द्वारा समाधान निकालना होगा वेदों शास्त्रों के द्वारा आपको बताया गया कि तीन तत्व सनातन तत्व है एक ब्रह्म एक जीव एक माया इन तीनों में हम जीव हैं क्योंकि हम जीवित हैं और जहां रहते हैं उसको भी जीवित रखते हैं और जब हम इस शरीर से चले जाते हैं तो ये शरीर व्यर्थ हो जाता है अर्थात जड़ हो जाता है सड़ जाता है ब्रह्म पर विचार किया गया जो बड़ा हो अनंत मात्रा का हो जिसके बराबर कोई न हो और जो दूसरे को भी बड़ा करे वो तो ब्रह्म है तदर्थ अनेक प्रमाण वेदों आदि के दिए गए पश्चात बताया गया यह ब्रह्म दो स्वरूप धारी है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और सगुण सविशेष साकार ब्रह्म और यह भी बताया गया कि यह ब्रह्म शक्ति युक्त है सच्चिदानंद है और ये जब जैसा चाहे वैसा बन जाता है इस ब्रह्म अर्थात निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा माने आश्रय सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम गीता चौदह सत्ताईस पुरुषम ब्रह्म योनिम ये ब्रह्म की योनि है कारण है आश्रय है अवलंब है आधार है श्री कृष्ण और समस्त शक्तियों का प्राकट्य श्री कृष्ण में ही होता है ब्रह्म में थोड़ी शक्तियों का प्राकट्य होता है अपने स्वरूप की रक्षा आनंद स्वरूप की रक्षा आदि के लिए ब्रह्म की सत्ता होती है और कृपा आदि गुण या कोई आकार या कोई लीला या कोई परिकर आदि ब्रह्म में नहीं होता वो सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण सबके आदि कारण है उनका कोई कारण नहीं वो सबके आधार हैं उनका कोई आधार नहीं वे भक्त बत्सल है वे सबके भीतर बैठकर उसके कर्मों का हिसाब रखते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं और सर्व व्यापक भी है और लीलाधारी भी है और मनुष्य शरीरधारी भी है और भक्तों के आधीन भी है उनके लोक भी हैं उनके स्वांश भी हैं उनके विभिन्नांश भी हैं और जितने स्वांश विभिन्नांश आदि है सब उनके आधीन है उनके दास है और जीव से उनका भेदा भेद संबंध है ये जीव उनकी शक्ति है तटस्थ शक्ति और उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बेद में कहा गया गोपाल तापनीयोपनिषद ने कृषि भूवाचक शब्द निवृत्ति वाचक तय परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते गोपाल तापनीयोपनिषद का पहला मंत्र परम ब्रह्म है श्री कृष्ण यस्मात परम ना परमस्त किंचित यस्मान् नाणियो न ज्यास्तिकित वेदों का चैलेंज है तमीश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवता नाम परमच दैवतम श्वेताश्चतरोपनिषद छे सात सकारणम छे प्रधान छेत्र पति गुणेश्वेता छे सुतरोपनिषद इसके बाद प्रश्न किया वेद में परमो देव अस्मान मृत्यु खिलम ज्ञातम भवति परम देव सुप्रीम पावर सबसे परे वाला कौन है किस से मृत्यु डरती है <coughs> भया अग्निस्तपति भया तपति सूर्य भयाद इंद्र आयुश्च वायुश्च मृत्युर्धावती पंचम दो तीन तीन कठोपनिषद भीषास्माद बात पवते दो आठ तैतरीयोपनिषद मत भयात बाति बातोयम सूर्य तपति मत भरसती इंद्रो दग्न मृत्यु मत भया तीन पचीस बयालीस भागवत और किसके जान लेने पर ध्यान दो सब कुछ अपने आप जान लिया जाता है एक को जान लेने पर सबको जान लिया जाता है क्या मतलब एक मिट्टी के ढेले को अगर कोई पूरा पूरा जान ले ये कैसे बना है इसमें क्या क्या है इसका क्या गुण है वो सारी पृथ्वी का ज्ञान हो जाए एक लोहे के कण को अगर कोई जान ले तो सब लोहे की बस्तियों वस्तुओं का ज्ञान हो जाए तो ऐसे एक वो कौन है जिसको जान लेने पर सब कुछ समझ में अपने आप आ जाए अलग अलग जानना न पड़े प्रश्न किया गोपाल ताप नियोपनिषद का दूसरा मंत्र उत्तर मिला कृष्णो हवई परम दैवतम वो सुप्रीम पावर श्री कृष्ण है गोविंदान मृत्यु विभेद उन्ही गोविंद से मृत्यु डरता है और सब को अपने अंडर में रखता है और गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम ज्ञातम भवत उन्हीं गोपी जन बल्लभ श्री कृष्ण को जान लेने पर सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं सर्वेश वस्तुना भावार्थो स्थिता तस्यापि भगवान कृष्ण दस चौदाह सत्तावन सबका जो कारण है पृथ्वी का कारण जल जल का तेज तेज का वायु वायु का आकाश आकाश की तन मात्रा उसका अहंकार उसका महान उसका कारण प्रकृति उसका कारण श्री कृष्ण उसका कारण कुछ नहीं तो अगर आदि कारण को जान लिया जाए तो सब अपने आप समझ में आ जाए और अगर बाहर वाला यानी किसी ने पृथ्वी को जान लिया तो वो जल को नहीं जान सकता किसी ने पृथ्वी और जल दोनों को जान लिया तो वो तेज को नहीं जान सकता सब का जो आधिकारण है वो तो श्री कृष्ण है फिर कहता है वेद एको बची सर्वगा कृष्ण ईद्या उन्नीसवा मंत्र गोपाल तापनी उपनिषद वो श्री कृष्ण सर्वगा सर्व व्यापक है जैसे ब्रह्म व्यापक है सर्वत्र निराकार ऐसे साकार भी सर्वत्र व्यापक है गोपियों को दिखता था जित देखो तित श्याम मई है बाटन में घाटन में बीथिन में बागन में वृचन में बेलिन में बाटिका में वन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हिरन में हारन में भूषण में तन में गोकुल में गोपिन में गायन में गोधन में ब्रज ब्रजमंडल के रेणु में कन में जहां जहां देखूं तहा श्याम ही दिखाई दे मेरो श्याम छाई रहे नैनन में मन में सर्वत्र वो सगुण साकार भगवान व्याप्त है खड़े हैं आख हो तो दिखाई पड़े आदि जगत गुरु शंकराचार्य को दिखाई पड़े थे तो उन्होंने लिख दिया यद्यपि तथाइक साकार विभाति विभा सर्वगता सर्वात्मा तथा सचिदानंदा सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन बनकर आए हैं अज्ञानियों को एक जगह दिखाई पड़ते हैं नंद की गोद में यशोदा की गोद में गोकुल के एक मकान में और जगह नहीं दिखाई पड़ लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं वो सब जगह रहते हैं सर्वत्र व्यापक है और एकोपिसन जो बहुधा विभात फिर कहता है वेद एक है और अनंत रूप धारण कर लेते हैं महाराष्ट्र में जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन गए सोलह हजार एक सौ आठ स्त्रियों से विवाह करना हुआ तो भला कौन पंडित विवाह करवा सकेगा सोलह हजार एक सौ आठ से और कितने महीने लग जाएंगे तो वो बिचारी स्त्रियां और वो स्वयं श्री कृष्ण तब तक न कुछ खाएंगे न पिएंगे न नहाएंगे न धोएंगे अरे सोलह हजार एक सौ आठ एक की शादी में सारी रात बीत जाती है आप लोगों में बहुतों की हुई है याद होगा और नहीं अपनी हुई तो दूसरे की देखा होगा लेकिन वहां श्री कृष्ण स्वयं सोलह हजार एक सौ आठ बन गए बनना क्या है नारद जी गए उन्होंने देखा कि सोलह हजार एक सौ आठ से कैसे निभते हैं अकेले और कितनी लड़ाई होती होगी आपस में ईर्ष्या द्वेष ना ना हर स्त्री को यही अनुभव होता था केवल मेरे पास है और कहीं नहीं गए महाराष्ट्र में हर गोपी को यही रियलाइज हुआ यही अनुभव किया वो मेरे गले में हाथ डाले हैं और किसी के नहीं जितने सखा दो चारण में कलेवा कर रहे हैं सब समझ रहे हैं मेरे ही मुंह में डाल रहे क्योंकि वो सर्व व्यापक है दुभिजम ज्ञान मुद्राढ़म भन फिर कहता है वेद वो दो भुजा वाले हैं बनमाली वो सबके शासक है श्री कृष्ण आठवां तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम गोपाल तापनीय उपनिषद का तैतीसवां मंत्र वो सच्चिदानंद शरीर वाले हैं उनका शरीर उनसे भिन्न नहीं है वे भी सच्चिदानंद शरीर भी सच्चिदानंद कृष्ण परमो देवा तम रसयेत तम भजेत का भजन करो उनचास मंत्र कृष्णो ब्रह्मतम कृष्णोपनिषद का बारहवा मंत्र जोशो पर ब्रह्म गोपाल गोपाल तापनीयोपनिषद का पंद्रहवा मंत्र जोशो गोपाला, गोपाल का सोलह मंत्र कृष्णो हवै हरि परमो देवा सर्ज विधयी स्वर्ग परिपूर्णो भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाधितों वृंदा बना दिना था स एक तस्य हवै द्वैत नुर नारायणो खिन्न ब्रह्मांडाधिपति त्रिकोंशा प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तयस्मन एकाधा लादिनी संदिनी ज्ञाने चक्रयाद्या तास्वां लादिनी भ्रीसि परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा माधव तमाम वेद मंत्रों में श्री कृष्ण ही परतत्व है जिसको अद्वै तत्व कहा है भागवत में भदंती तत् तत्व विद तत्व यजगान मद्वयम श्री कृष्ण भगवान के हम नित्य दास हैं ध्यान दो नित्य शब्द पर ध्यान दो नित्य दास एक दास होता है टेम्परे आप लोग नौकरी करते हैं हाँ। अब नहीं करेंगे जी इस्तीफा दे रहे हैं क्या करेगी गवर्नमेंट नहीं करते अरे हम पे नहीं लेंगे तुम मत दो पे अपनी इच्छा है सर्विस किया अपनी इच्छा है छोड़ दिया लेकिन श्री कृष्ण की सर्विस ये तो हमारा नित्य नेचर है नेचर स्वभाव जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास ये हमारा स्वरूप है तटस्थ लक्षण है अगर आप लोग कहें श्री कृष्ण का तो बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते विदेशों में अब बहुत से लोग तो गाली देते हैं ऐसी संप्रदाय भी है अरे वो श्री कृष्ण को गाली देते हैं लेकिन किसको गाली नहीं देते ऐसा भी कोई होगा हा वो एक ही है आनंद आनंद के दास है सब सब हो हाँ सब नास्तिक आस्तिक कम्युनिस्ट तो कोई भी सिद्धांत हो साथ आनंद चाहते हैं आनंद भी नहीं आनंद ही। ये। और आनंद और श्री कृष्ण ये दोनों पर्याय बाकी शब्द है ये मैंने सैकड़ों बार बताया है आपको आनंदो ब्रह्मे तिजाना रसो वैस विज्ञान आनंदम ब्रह्म आनंद का दास होना ये टेम्परेरी नहीं अभ्यास करके हम दुख चाहेंगे आज से अरे अभ्यास करके हजार बार मर जाओ हो ही नहीं सक आनंद ही ना पड़ेगा क्योंकि आनंद के अंश है। उसके दास हैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को जान कर ही इन दोनों प्रश्नों का हल हो सकता है ये मैंने डिटेल में बताया था लेकिन उनको कोई नहीं जान सकता यह भी विस्तार से बताया गया था लेकिन जाना जा सकता है यहां पर मैंने आपको छोड़ दिया था अब आगे चलिए फिर चलिए वेदों में वेदों ने कहा अणोरणीयान महतो मही जंतो हो तमक्रतु बीत को धातु प्रसादान महिमान मीसम श्वेता तीसरे अध्याय का बीसवा मंत्र क्या मतलब तो उसकी कृपा से उसको जाना जा सकता है पाया जा सकता है यह मंत्र कठोपनिषद में भी है एक दो बीस यह मंत्र नारायणोतरोपनिषद में भी है पहला मंत्र यह मंत्र सर्भोपनिषद में भी है वो जिस पर कृपा कर दे और कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे नोट करो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे यानी उसकी आंख हमारी आंख में प्लस हो जाए तो हमारी आंख श्री कृष्ण की आंख बन जाए दिव्य आंख तब वो दिव्य शरीर दिखाई पड़ेगा कान भी दिव्य हो जाए तो मुरली सुनाई पड़ेगी एक इंद्रिय सब श्री कृष्ण की मिल जाए हमको तब उनका प्रत्येक विषय प्राप्त होगा इसी प्रकार पांचों ज्ञान इंद्रियों के अतिरिक्त तो उनकी बुद्धि मिल जाए तब उस सर्वज्ञता वाली बुद्धि से श्री कृष्ण को जाना जाएगा अरे अनंत बार श्री कृष्ण को हमने देखा है इन मेटीरियल आंखों से लेकिन बुद्धि माइक है न तो उसने कहा हमने देखा है वो तो हमारे बच्चे से भी है है और गए गुजरे हैं पर तुमने ये नहीं सोचा ये तुम्हारी आख किसकी बनी है पृथ्वी जल तेज वायु आकार ये पांच से पूरा शरीर बना है और ये पांच माया के विकार हैं उनका शरीर सच्चिदानंद है तो तुम्हारी आंख से वो सच्चिदानंद नहीं माइक दिखाई पड़ेंगे स्पेंसर एक फिलॉसफर हुआ है विदेश में उसने कहा अगर किसी मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान का ज्ञान हो जाए तो वो भगवान माइक होगा मटेरियल तत्व होगा कोई स्पिरिचुअल नहीं होगा स्पिरिचुअल के लिए स्पिरिचुअल इंद्रिय मन बुद्धि चाहिए बिल्कुल मोटी सी बात अरे देखो जब प्राकृत कान से प्राकृत आंख वाला काम नहीं हो सकता आंख देखती है? है कान से देखो इम्पॉसिबल क्यों अरे पंच महाभूत का कान बना पंच महाभूत की आंख बनी उसी रज बीर्ज से पूरी बॉडी बनी है हाँ जी बनी तो उसी एक चीज से है लेकिन सब अलग अलग मामला है सबकी गवर्नमेंट अलग अलग है, क्या कमाल है। ये विभाग किसने किया कब किया कैसे किया माँ के पेट में माँ ने किया डेडी ने किया हाजी उनको क्या मालूम है गधों को वो क्या करेंगे हो ये सुप्रीम पावर का कमाल है जो अंदर बैठा है एक इंद्रिय बना दिया उसी पांच पदार्थ से खाली सुनोगे आख तुम खाली देखोगी नासिका तुम खाली सूंघोगी तो क्या तुम खाली स्पर्श करोगी रसना वाह क्या बात है सबका अलग अलग विषय बना दिया माँ के पेट में और एक मन भी बना दिया एक बुद्धि बना दी और सामान वही बनाने का पंच महाभूत अरे देखो मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े क्या हर भाग मिट्टी ही तो है सुराही बनाता है मिट्टी से तो सुराही का प्रत्येक अंश एक सा होता है पर सब अलग अलग हो गया ये देखो कमाल ललाट के ऊपर बाल होंगे इधर नहीं आएंगे स्त्रियों के मूछ नहीं होगी अरे क्या नाटक है जी ये नाटक नहीं है अलौकिक कृत्य है अलौकिक पर्सनैलिटी का एक कमाल है भगवान का ये कमाल है तो भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान का ग्रहण होता है और इसी आधार पर अनंत जीवों ने भगवत लाभ प्राप्त किया फिर वेद कहता है देव प्रसादा छाईस श्वेताशतरोपनिषद फिर वेद कहता है नायमात्मा प्रबचने न लब्यो न मे धया न बहुना श्रुते न यमे वैश भृणुते ते न लभ्य आत्मा विवृणुते तनुगम स्वाम एक दो तेईस कठोपनिषद और ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है तीन दो तीन क्या मतलब मतलब उस भगवान को देखने सुनने सूंघने रस लेने स्पर्श करने जानने के लिए कोई और साधन नहीं है प्रवचन सुन के नहीं मिलेगा पुस्तकें पढ़ के नहीं मिलेगा खोपड़ी लगा के ये चार अंगुल की समझ में नहीं आएगी फिर वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे देगा वो उसको जान सकता है पा सकता है वेद कह रहा है गीता भी यही कहती है भगवान ने अर्जुन से कहा तमेव शरण गच्छ भावे न भारत तत्प्रसादात वो भगवान जब कृपा करेंगे तब उनका लाभ पा सकोगे अठारह बासठ पूरी गीता का लेक्चर दिया अठारह अध्याय अर्जुन ने बेमनी से सिर हिलाया यस, यस, जी, जी, लेकिन बैठा नहीं कुछ अठारहवें अध्याय में जब छा श्लोक बोले सर्वधर्मान परित्यज माम एकम ब्रज ये धर्म 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 की बीमारी लगा रखा है तूने छोड़ दे इसको और केवल मेरी शरण में आ जा एकम एकम तो पाप लगेगा जो आपने वेद में लिखा है धर्म छोड़ने का अहं तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्ष जो शरण में नहीं आता उसको पाप लगता है जो शरण में आ जाता है उसको पाप नहीं छू सकता पुण्य भी नहीं छू सकता कोई कर्म छू नहीं सकता कुशला चरित नैसा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वानर्थो निरहंकार नाम विभो अरे भगवान ने अर्जुन से कहा तू कहता है मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा जस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर जस्य न लिप्यते मान लोकान नहंति न निबध्यते अठारह सत्रह गीता जिसमें कर्तृत्वाभिमान न हो मैं करता हूं और उसका मन मेरे पास हो तो वो करोड़ों मर्डर करके भी बिना मर्डर किया हुआ माना जाएगा क्योंकि उसका मन तो मेरे पास था खाली शरीर से कर्म किया तो शरीर के कर्म को कर्म नहीं कहते एक दिन कहते हैं जैसे आप ट्रैल फूल बनाते हैं आप लोग मजाक करते हैं आप लोग ससुराल में तो उसको फील नहीं करते क्योंकि मंशा खराब नहीं है विनोद है जहा दुर्भावना होती है उसी को अपराध कहते हैं जिसमें मन की मंशा हो तो वेद कह रहा है वो जिस पर कृपा करके अपना उपकरण मैटर इंद्रिय मन बुद्धि दे दे ओ जान सकता है तो अर्जुन से भगवान ने अठारह अध्याय के लेक्चर के बाद पूछा कच्चि ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय तेरा अज्ञान गया मैं ठेका ले रहा हूं पाप नहीं लगेगा अज्ञान गया ज्ञान हुआ युद्ध करेगा बोल नहीं तो मैं जाता हूं हमको द्वारिका से बुला के यहां और घोड़ा हाकने वाला बना करके और युद्ध में अब कहता है युद्ध नहीं करेंगे तुझको पहले नहीं मालूम था किससे युद्ध करना है जब तूने हमको मांगा था बिना हथियार के तो कैसे मांगा था अरे तुझको कहना चाहिए था कि महाराज आधा फौज आधी दुर्जोन को दे दो आधी फौज मेरे साथ रहे अब आप बाहर बैठे बैठे देखो तूने तो मुझे मांगा बिना हथियार के तो ये तो वाग ज्ञानी ऐसा करेगा जिसको ये पक्का हो ये मैं भगवान हूं तो अर्जुन ने कहा अठारह बहत्तर अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृत प्रसाद अच्युत आपकी कृपा से ज्ञान हुआ आपने बुद्धि दे दी तो समझ में आ गया अपनी बुद्धि से नहीं आ सकता अठारह तिहत्तर भागवत भी यही कहती है अथापिते देव पदय प्रसाद लेशा नुगृहित एवहि जानाति तत्व भगवान महिमो चान्य एक को पि जिस पर महाराज आप कृपा करके अपनी शक्ति दे दें वो जान सकता है आपको वो पा सकता है आपको दस चौदाह उन्तीस भागवत और रामायण में तो भरा पड़ा है तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जानत भगत भगत उर्चन राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई और जाने बिनु न हो ये बिनु प्रती न हो है प्रीति बिना राम कृपा के राम को कोई नहीं जान सकता ये जो कहा जाता है माया भ्रम हा है ठीक है लेकिन सोदासी रघुबीर की सब मिथ्या सोपी जड़ है छोटा न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रूप बिना भगवान की कृपा के ये नहीं जाएगी मामे उजे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते ते गीता सात चौदह ये शाम सैव भगवान दाया ये धनंता सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्व्यली कम ते दुस्तरा मति तरंती चा देव माया दो सात बयालीस भागवत कोई माया को उत्तीर्ण नहीं कर सकता बिना भगवत कृपा के हे भ्रम रजत शिप महा भाषि यथा भानु कर भारी यदा तु काल सो भ्रम न सकै कुटारी और कृपा कृपा ब्रह्म मिट जाई कृपालु रघुराई ये उनकी कृपा से ही भ्रम जाएगा अपनी बुद्धि से अपने विचार से करोड़ों कल्प लगाए जाओ खोपड़ी और उल्टा असर होगा श्रुति पुराण बहु कहे वो उपायी ध्यान दो छूते ना अधिक अधिक अरुझाई जितना पढ़ोगे ग्रंथों को उतने उलझते जाओगे ये भी लिखा है ये भी लिखा है क्या सही है क्या गलत है मैं पागल हो जाऊंगा <laughs> तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा देखा जाएगा प्राप्त किया जाएगा ये बात वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ सब संत सब पंथ कह रहे हैं और लॉजिक से भी बात समझ में आती है कि भाई हमारे पास तो ऐसी कोई दिव्य वस्तु है ही नहीं जिससे हम भगवान को पकड़ ले अरे हमारा शरीर और शरीर के अंदर वाली इंद्रिया मन बुद्धि ये सब पंच महाभूत के माया के विकार है और हम इससे परे दिव्य भगवान के अंश है तो हमको कौन जानेगा और फिर भगवान को थे तो कल्पना भी करना पागलपन है तो भगवान को भगवान की कृपा से जाना जा सकता है ये बात समझ में बैठेगी बैठ गई। तो अब और समस्या खड़ी हो गई देखिए फिर तो ऐसा है कि जब वो कृपा करेंगे तो फिर हो गया हम क्या करें हमारी गलती क्या जो हमको चौरासी लाख में घुमाया जा रहा है अरे जब वो कृपा करेंगे तो उनको जानेंगे तो उनमें विश्वास होगा तो उनसे प्रेम होगा तो वो कृपा करेंगे तो पहले भी कृपा बाद में भी कृपा जब हम जान नहीं सकते तो हम अपराध करेंगे और करेंगे क्या जब जयंत ने चोंच मारा था सीता के हृदय में और बिचारात्रोक में घूमा किसी ने क्षमा नहीं किया तो फिर आया राम के पास और राम ने कहा मैं नहीं क्षमा कर सकता तो सीता जी ने कहा पति देव एक बात कहू कहो जब तक आपकी कृपा न हो और माया न जाए तब तक क्या कोई बिना अपराध किए रह सकता है अरे अपराध क्यों करता है मनुष्य अज्ञान से और तो अज्ञान क्यों है माया से और माया को हटाने की पावर किसी योगी ज्ञानी में भी नहीं है तुम्हारा तो फिर इसके बिचारे की क्या गलती है इसने जो गलती की वो तो करनी चाहिए सभी करते हैं जितने मायाधीन जीव हैं, जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई वो सब गलती करते हैं पाप करते हैं न माने ये और बड़ा पाप गलती भी करे और गलती माने भी ना ऐसे है हम लोग विचित्र इसीलिए मैंने वो दोहा बना दिया है ऐसे पतित विचित्र को है कि हम अपराधी हैं को कोई बोले तो तुम कामी हो क्रोधी हो लोभी हो मोही हो पापात्मा हो एक शब्द भी हम सुनने को तैयार नहीं है सब हा, हा, हा है तो तो भगवान की वो कृपा जिससे माया जाए अज्ञान जाए भगवान का वो सब सामान मिले जिससे भगवान का ग्रहण हो ये कैसे हो और ऐसा तो हो नहीं सकता जी कि कोई शर्त न हो क्योंकि अगर शर्त न होती तो फिर सबको भगवत प्राप्ति हो जाती सब जगत गुरु शंकराचार्य निम्बारकाचार्य माध्वाचार्य तुलसी सूर्य नानक तुकाराम बन जाते हम लोगों को क्यों चौरासी लाख में घुमाया जा रहा है और कुछ लोगों को अपने पास बुला लिया अपना ज्ञान आनंद दे दिया इसका मतलब कुछ शर्त जरूर है वो वेदों शास्त्रों के द्वारा जानना पड़ेगा वो शर्त क्या है फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की